अब हम ये कविता जब भी पढ़ते हैं हमेशा हमें कहा जाता है तुम ना बड़ी प्रो मुस्लिम और उनकी तरफ से कविताएं बोलती हो, इस तरफ से भी तो कोई कविता होनी चाहिए, कोई मुस्लिम कवि ऐसी विद्रोही कविताएं नहीं लिख रहा है, अब उनको फैज साहब से क्या क्या गिनवाए हम, पर वो हमेशा ही कहा जाता है। एक बहुत अच्छी कविता हमें इसी दौरान मिली, कैस साहब आज यहाँ आए हुए हैं, उन्हीं की कविता है, कैस जौनपुरी जी की, मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। कैसा मुझसे बेहतर पढ़ते हैं ये कविता, पर अभी यहाँ पे मैं बैठा हूँ इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। मैं आपको सुनाता हूँ, आप बहुत अच्छा थॉट है और वी आर लकी कि आप हमारे साथ हैं। मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। ईद का दिन था, सुबह सुबह किसी ने टोका ईद मुबारक हो, मैंने कहा आपको भी ईद मुबारक हो। सवाल हुआ नमाज पढ़ने नहीं गए लेकिन स्विमिंग करने जा रहे हो, मैंने कहा मैं नहीं गया। मैं नहीं गया क्योंकि मैं नाराज हूं उस खुदा से जो ये दुनिया बना के भूल गया है, जो कहीं खो गया है या शायद सो गया है, या जिसकी आंखें फूट गई हैं, जिसे कुछ दिखाई नहीं देता कि उसकी बनाई हुई इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है। हाँ मैं नाराज हूं और तब तक मस्जिद में कदम नहीं रखूंगा जब तक आयलन कुर्दी फिर से जिंदा नहीं होता, जब तक दिल्ली की वो दो लड़कियां सही सलामत वापस नहीं आती जिन्हें जलते हुए तारकोल के ड्रम में सिर्फ इसलिए डाला गया था क्योंकि वो मुसलमान थी। और हाँ मुझे उनके चेहरे पे कोई दाग नहीं चाहिए। मैं नाराज हूं और तब तक मस्जिद में कदम नहीं रखूंगा जब तक हरप्रीत कौर और हर पंजाबन औरत और बच्ची बिना खंजर लिए सुकून से नहीं सोती, जब तक दंगों में गुम मंटो की शरीफन अपने बाप कासिम को मिल नहीं जाती, तब तक मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। मुझे तुम्हारे कुरान पे पूरा भरोसा है, बस उसमें से ही ये जहन्नुम का डर निकाल दो। ये डर की इबादत भी भला कोई इबादत है? कैसा होता कि मैं अपनी खुशी से जब चाहे मस्जिद में आता और एक रकत में ही गहरी नींद और तेरी गोद में सो जाता। मुझे तुमसे शिकायत है, एक सेब खाने की आदम को इतनी बड़ी सजा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा कलेजा नहीं बसीजता? यहाँ तुम्हारे मौलवी मस्जिद की तामीर के लिए कमीशन पे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, जहाँ गरीबों को दो रोटी नसीब नहीं वहाँ मूर्तियों पे करोड़ों रुपए पानी की तरह बह रहे हैं। तुम्हारे नाम पे यहाँ रोज जाने कितने मर रहे हैं, तुम्हें पता भी है कुछ? लोग पाकिस्तान को इस्लामिक देश कहते हैं, तुम्हें हंसी नहीं आती और तुम्हें शर्म भी नहीं आती? तुम्हारी मासूम बच्चियों को पढ़ने से रोका जाता है, कोई सर उठाए तो उन्हें गोली भी मार दी जाती है। हाँ तुमने एक मलाला को बचा लिया तो ज्यादा खुश ना हो? तुम्हारे आंसू नहीं बहते जब किसी बोरी लड़की का जबरदस्ती खतना किया जाता है? क्या तुम्हें उन मासूम लड़कियों की चीख सुनाई नहीं देती? या तो तुम बहरे हो गए हो, या तुम्हारे कान ही नहीं है, या फिर तुम ही नहीं हो। तुम तो कहते हो तुम जर्रे जर्रे में हो, फिर जब कोई मंसूर अनहक कहता है तब उसकी जबान क्यों काट ली जाती है? क्या उस कटी जबान से टपके खून में तुम नहीं थे? क्या मंसूर की उन चमकती आंखों में तुम उस वक्त मौजूद नहीं थे? तुम उस वक्त मौजूद नहीं थे जो तुम्हारी आंखों के सामने फोड़ दी गई? क्या मंसूर के उन हाथों में तुम नहीं थे जो काट दिए गए? क्या मंसूर के पैर कटते ही तुम भी अपाहिज हो गए? आओ आके देखो अपनी दुनिया का हाल, आबादी बहुत बढ़ चुकी है, अब सिर्फ एक मोहम्मद से काम नहीं चलेगा, तुम्हें पैगंबरों की पूरी फौज भेजनी होगी, क्योंकि मूसा तो यहूदियों के हो गए और ईसा को ईसाइयों ने हत्या लिया, दाऊद बोरी हो गए, बुद्ध का अपना ही एक संघ है, महावीर जो एक चींटी भी मारने से डरते थे उस देश में इंसान की लाश के टुकड़े कागज की तरह बिखरे मिलते हैं। जाने कितने दीन धर्म मनगढ़ंत हैं, श्वेतांबर दिगंबर जाने कितने पंथ हैं, आदम की औलाद सब जाने कैसे बिखर गए, तुम्हारे सब पैगंबरों के टुकड़े टुकड़े हो गए। तुम तो मोहम्मद की इबादत में बहे आंसुओं से खुश हो ली हो, मगर क्या तुम्हें ये सूखी धरती दिखाई नहीं देती? ये किसान दिखाई नहीं देते? तेरी दुनिया में आज अनाज पैदा करने वाले ही भूख से मरते हैं। मुझे हंसी आती है तेरे निज़ाम पर और तू मुझे जहन्नुम का डर दिखाता है। जा जा, मैं नहीं डरता तेरी दोजख की आग से, यहाँ जिंदगी कौन सी जहन्नुम से कम है, पीने का पानी तक तो पैसों में बिकता है। तू पहले हिंदुस्तान की औरतों को मस्जिद में जाने की इजाजत दिला, तू पहले अपने मुल्ला मौलवियों को समझा कि लोगों को इस तरह गुमराह ना करें, तीन बार तलाक कह देने से ही तलाक नहीं होता। तू आके देख मदरसे में मासूम बच्चों को कुरान पढ़ाया नहीं रटाया जाता है,
फिर इन्हीं रटंतू तोतों को हाफिज बनाया जाता है जो तेरी बा कमाल आयतों को तोड़ मरोड़ कर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं किस मस्जिद में जाऊँ, तू तो मुझे वहाँ मिलता नहीं, और तेरे दर काबा आने के इतने पैसे लगते हैं जहाँ हर साल भगदड़ होती है और न जाने कितने ही बेवकूफ़ मरते हैं। मैं कहता हूँ इतनी भीड़ में जाने की क्या ज़रूरत है, कितना अच्छा होता कि मैं मक्का पैदल आता और तू मुझे वहाँ अकेला मिलता। तो पहले ये सरहदें हटा दे, ये क्या बात हुई कि तेरे काबा पे अब सिर्फ कुछ शेखों का हक है। तू पहले समझा उन पागलों को कि तुझे सोने के तारों से बुनी चादर नहीं चाहिए, मैं तब आऊँगा वहाँ, अभी तेरी मस्जिद में आने का दिल नहीं करता। जानता है क्यों? अंधेरी ईस्ट की साई गली वाली मस्जिद के बाहर एक मासूम सी लड़की आंखों में उम्मीद लिए और हाथ फैलाए हुए भीख मांगती है। मैं उसे 5 रुपए देने से पहले सोचता हूँ कि इसकी आदत खराब हो जाएगी, फिर ये इसी तरह भीख मांगती रह जाएगी, और अगर मैं उससे थोड़ी हमदर्दी दिखाऊं तो लोगों की नज़र में मेरी नज़र खराब है। मैं उसे अपने घर भी नहीं ला सकता, कुछ तो घर वाले ही नहीं लाने देंगे और कुछ तो उसके मालिक भी। हाँ, शायद तुम्हें किसी ने बताया नहीं होगा कि हिंदुस्तान में बच्चों से भीख मंगवाने का बाकायदा कारोबार चलता है। मासूम बच्चों को पहले अगवा किया जाता है, फिर उनकी आंखें फोड़ दी जाती हैं, कुछ के हाथ काट दिए जाते हैं, कुछ के पैर, और फिर तेरी ही बनाई हुई कुदरत रहम का सहारा लेकर तेरे ही नाम पर उनसे भीख मंगवाई जाती है। अब मैंने तुझे सब कुछ बता दिया, अब तू कुछ कर, तू इन मासूम बच्चों को पहले इस कैद से रिहा कर, फिर मैं तेरी मस्जिद में आऊँगा, तेरे आगे सर भी झुकाऊंगा, अभी तू इबादत के काबिल नहीं, अभी तुझको बहुत से इम्तहान पास करने हैं। हाँ, इम्तहान से याद आया, यह तूने कैसी बकवास दुनिया बनाई है जो सिर्फ पैसे से चलती है। मुझे इस पैसे से नफरत है, यह निज़ाम बदलने की ज़रूरत है। तुम पहले कोई ढंग की रहने लायक दुनिया बनाओ, फिर मुझे नमाज के लिए बुलाओ, और तब तक तुम यहाँ से दफा हो। कैसा